डिस्टेंसिंग की बात कही जा रही है, उचित दूरी बहुत जरूरी, उस सिद्धांत को अपनाते हुए ये यहाँ पे लोग निवास कर रहे हैं। ये प्रांगण का विद्यालय है और इस विद्यालय जो है चार दीवारी से घिरा हुआ है, गेट भी लगा हुआ है ताकि कोई व्यक्ति यहाँ से अपने गांव में प्रवेश न कर सके। शेष जानकारी मैं यहाँ के ग्राम प्रधान जो वर्तमान में हैं, मैं उनको उनसे उन्हीं के माध्यम से जानना चाहता हूँ कि कौन कौन टीम ग्राम प्रधान के सहयोग कर रही है और यहाँ पे जो ग्राउंड स्थल जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग हम लोग करने आए हैं उसमें सहभागिता अपनी दे पा रही है। अपना नाम बताएं सर। मेरा नाम है जयेश दीपक यादव, मैं मोहल्ला ग्राम प्रधान हूँ। और ये कोरोना में जो लोग हमारे यहाँ गांव से लोग बाहर से जो आए हुए लोग हैं, इनके लिए हम अपने गांव के लोग सारी व्यवस्था यहाँ रहने के लिए लोगों के लिए किए हैं। और कोई अमला अधिकारी जो केवल ग्राम विकास और ग्राम पंचायत अधिकारी सेक्रेटरी रेडियो पंचायत, आज तक हमारे गांव में यही लोग हाल चाल जानने इन लोगों का आए हैं। और ना तो कोई राजस्व विभाग का, ना तो कोई स्वास्थ्य विभाग का हमारे विद्यालय पर इन लोगों को कोई देख रेख करने के लिए नहीं आया। जैसा आपने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम नहीं आई है और ये लोग काफ़ी जगहों से आए हुए हैं और हम तो इनको एज ए कोरोना संक्रमित नहीं कर सकते हैं, लेकिन संभावना के कारण इनको प्राइमरी विद्यालयों में रखा गया है। तो आपने क्या इसकी सूचना जो है स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दिया है? जी, मंगलवार को हमारे यहाँ एक लड़का नवेडा से आया है, उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसके बाद मैंने हेल्पलाइन नंबर पर स्वास्थ्य विभाग के फ़ोन किया गाड़ी मंगवाने के लिए, गाड़ी नहीं आई। मैं अपने स्वास्थ्य जो हमारे यहाँ PSC पे डॉक्टर, उनका न फोन लगाया, फोन उनका स्विच ऑफ था। उसके बाद मैं यह जानकारी SDM साहब को दिया। उसके बाद में हमारे जिला अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के रामलगीना सानी, जिला अध्यक्ष जी को अपने पार्टी के माध्यम से अवगत कराया। अध्यक्ष जी ने CMO साहब से बात किया, CMO साहब से बात होने के बाद फिर डॉक्टर साहब का मेरे पास फोन आया। लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कि दूरी बना कर रखिए, मेरी टीम कल जाएगी। उसके बाद कोई आया नहीं है। ये आप मंगलवार की घटना बता रहे हैं और आज रविवार जी, इतने दिनों में इतनी बड़ी लापरवाही किन कारणों से हुई ये मेरे चैनल के माध्यम से बताइए। और जो एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया संपूर्ण उत्तर प्रदेश को जो मुख्यालय लखनऊ से जुड़ा है, उस पर कभी आपने सूचना देने की कोशिश की? नहीं, हेल्पलाइन पे हमें सूचना हम नहीं दिए, लेकिन जो हमारा जो 108 102 वाला है मैंने इस पर फोन किया, मैं सारे अमला अधिकारी को बताया, लेकिन कोई यहाँ सुनवाई नहीं हुई। मैं पत्रकार अमर उजाला के माध्यम से पेपर में भी निकला था कि ग्राम प्रधान ने इसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को दिया, लेकिन डॉक्टर द्वारा कोई टीम नहीं आई। अमर उजाला में निकला भी था। जैसे आपने कहा स्वास्थ्य टीम नहीं आई, बाकी सुविधाएं यहाँ इनको क्या क्या आप दे पा रहे हैं? हम इनको हमारे मतलब ये ब्लॉक से जो भी हमको किट मुहैया कराई गई है। किट आपके पास है क्या? हाँ, हमारे जो हमारे कैमरा पर्सन है इनको किट दिखाइए। और ये हमारे इस समय जो है देखिए, ये बृजेंद्र भूषण जी हैं जो ग्राम विकास अधिकारी हैं यहाँ बेलघाट ब्लॉक के। किट में ये दिखा रहे हैं कि मास्क है, क्या ये हाइजीन किया हुआ है? हाइजीन किया हुआ, 3 मास्क है, 3 डिटाउ साबुन है और 1 सैनिटाइजर है। ये कोरोना पीड़ित जो बाहर से आए हुए लोग उनके लिए है। एक एक किट, ये पूरा किट है। इस किट में आप देख पा रहे हैं 3 डिटाल के साबुन हैं और स्प्रिट की 1 cc है और 3 मास्क है। मैंने एक व्यक्ति 3 व्यक्ति इसको 3 मास्क लगा सकता है और 3 आदमी के लिए 3 साबुन है और 3 आदमी के बीच में ये पूरा किट एक एक व्यक्ति के लिए 15 दिन का डोज है। ये 15 दिन का जी। आप ग्राम विकास अधिकारी हैं, जैसे इन्होंने बताया कि हमसे आप थोड़ा दूर खड़ा होइए, 3 फीट की दूरी बहुत जरूरी, ये नारा आप गाँव में दीजिए, 1 मीटर की दूरी बहुत जरूरी है। इसको आप लोगों में देते रहिए। और बृजेंद्र भूषण ये बताइए कि जैसे प्रधान जी ने अभी कहा कि स्वास्थ्य की टीम नहीं आई, आप एक समाज के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, ग्राम विकास अधिकारी हैं, तो क्या आप अपने जिम्मेदारियों को निभाते हुए स्वास्थ्य विभाग को सूचित करने का कष्ट किया? जी, किया गया। क्या रिस्पॉन्स मिला वहाँ से? वहाँ से बताया कि हम डॉक्टर भेज रहे हैं, लेकिन पता ये चला कि आए नहीं। आपने स्वास्थ्य विभाग का जो यहाँ PSC है जी, वहाँ जा करके भी मौखिक कोई सूचना दिया? हाँ, दिया गया था रोजगार सेवक के माध्यम से, हमने तत्काल वहाँ पे भेजा था स्वास्थ्य केंद्र पे, लेकिन वहाँ से कोई आया नहीं है।
यहाँ पे जो पीएससी और मुझे जिला पंचायत राज अधिकारी श्री हिमांशु शेखर जी द्वारा जो व्यक्ति बाहर से आए हुए हैं उनको किट उपलब्ध कराएंगे। डेली हम लोग जो नए आ रहे हैं जो हैं उनको जो भी हम लोग शाम कितने लोग यहाँ पे इस समय निवास कर रहे हैं आपके यहाँ? 16 लोग। क्या इसमें कोई विदेशी भी है कि कोई नहीं, सब दिल्ली नोएडा आसाम मतलब इंडिया के किसी भी कोने से आए हुए हैं। अभी हमको पता चला है ग्राम प्रधान जी द्वारा कि एक आदमी नोएडा से आया हुआ था तो मैडम और उसकी तबीयत कैसी है समय और हाँ, क्या अभी अभी तबीयत वैसे ही है, खराब है। क्या उसको परेशानी हो रही है? सर में दर्द है, बुखार है, सर में दर्द और बुखार उखार ऐसे लग रहा है हम लोगों को कि वो लक्षण है, लेकिन जब तक जस्टिफाई नहीं होगा। ये आपके साथ सहयोगी टीम में कौन कौन इस समय इसमें हमारे साथ है? एडीओ पंचायत सर है, ये यहाँ के ग्राम विकास। मैं दिखाना चाहता हूँ अपने कैमरा पर्सन से, कहता हूँ कि उचित दूरी रख करके मैं खड़ा हूँ इन लोगों से। ये प्रदीप यादव जी हैं और जिनको जिनको बताया जा रहा है वो दिखाने का कष्ट करें। ये प्रदीप यादव जी हैं ग्राम विकास, अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण से निभा रहे हैं, लोग खड़े हैं और ग्राम विकास अधिकारी साहब भी हैं और उनकी पूरी टीम जो लगी हुई है ग्राम पंचायत अधिकारी। लेकिन मैं कैमरा पर्सन से कहता हूँ कि थोड़ा हमारी तरफ मुखातिब हों। ये बहुत ही गंभीर विषय है कि जो यहाँ पीएससी के डॉक्टर हैं वो रामायण विषय से, अभी रामायण हमारे यहाँ सीरियल चल रहा है, कुंभकर्ण का भी दृश्य आने वाला है, तो वो दृश्य अभी तो नहीं स्टार्ट हुआ, लेकिन वो हमारा जो स्वास्थ्य विभाग है वो कुंभकर्णी नींद में सो गया है और वो इंतजार कर रहा है कि महुली गांव में जब वो व्यक्ति महुलिया में अगर वो कोरोना से पीड़ित हो जाए तभी हम अपने 108 नंबर की एम्बुलेंस सेवा लेके चलेंगे और उसको कोरोनाइज करेंगे बीआरडी मेडिकल कॉलेज में। मंगलवार से प्रधान जी ने बताया, मैं लगातार फोन कर रहा हूं और इसमें जो जिलाध्यक्ष सपा के नगीना साहनी जी उनको भी जोर लगाना पड़ा। यह बड़े दुखद का विषय है कि एक सामाजिक कार्य में किसी राजनीतिक पार्टी को कूदना पड़ रहा है और जहां यह बीमारी एक वैश्विक बीमारी के रूप में काम कर रही है उसमें इतनी बड़ी घोर लापरवाही हो रही है। यह एक बहुत ही विश्वसनीय सूत्रों से हमारे प्रधान जी बता रहे हैं जिनके पास टेलीफोन किए हुए डेट की सभी लिस्ट उपलब्ध है, लेकिन जो सीएम योगी आदित्यनाथ का सपना है कि कोरोना मुक्त हमारा उत्तर प्रदेश हो, उसमें जो ये पीएससी सेंटर्स के डॉक्टर हैं ये पलीता लगाने का काम कर रहे हैं और ये इंतजार कर रहे हैं कि किस प्रकार से कोरोना इस महुलिया गाँव में फैल सके और लोग बीमार पड़ सकें। जो यहाँ पे क्वारंटाइन किए गए हैं ये नियम है कि उनकी जाँच प्रत्येक दिन या दो दिन पे लगातार होनी चाहिए, लेकिन यह बड़े खेत का विषय है कि इतने जागरूक व्यक्तियों के रहते हुए भी जो पीएससी का यहाँ केंद्र है, जो स्वास्थ्य के अधिकारी हैं, जो चिकित्सा अधिकारी हैं, वो क्या चाहते हैं, यह एक बहुत ही बड़ा यक्ष प्रश्न खड़ा है। जहाँ मैं इसमें महुलिया में हूँ, यह प्राइमरी विद्यालय है, मैं दिखाना चाहता हूँ कैमरा पर्सन को, कहना चाहता हूँ कि वो पीछे दिखाएं, ये सोशल डिस्टेंसिंग बना करके लोग खड़े हैं। इसी में से मैं एक व्यक्ति से बात करना चाहता हूँ कि इनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो हमारे ग्राम प्रधान कितने जमीनी स्तर पे उतार रहे हैं, क्या क्या मुख्य सुविधाएं दे रहे हैं। मैं आपसे उचित दूरी बना के खड़ा हूँ, 6 फीट की दूरी पे, कृपया उच्च स्वर में बोलिए, मास्क थोड़ा सा अगर चाहें तो आप हल्का सा खोल सकते हैं। हाँ, ये बताइए अपना नाम और कहाँ से आप आए हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? नाम हमारा भालचंद है, दिल्ली से आए हैं। दिल्ली में भालचंद जी करते क्या आप हैं? प्रेस का काम करते हैं। कैसा प्रेस? करते हैं। ये बताइए आप दिल्ली से किस माध्यम से गोरखपुर तक आए हो? बस है। जो ये योगी आदित्यनाथ ने चलाया था बसों को? हाँ, दो दिन के लिए जो खोले थे उसी में। कितना किराया आपको इसका देना पड़ा? 1000 रुपये के लमसम में लगा था। गोरखपुर तक 244 रुपये केवल एक आदमी का? हाँ जी। ये बताइए आप इस विद्यालय में हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं, किस गाँव के हैं? मोहलिया के हैं। तो आपको कितने दिन यहाँ निवास करते हो गया? हो गया 28 तारीख से, जोड़ लीजिए 28 तारीख से 9 दिन हो गया। यहाँ पे आपके खाने पीने की क्या सुविधाएं मिल रही हैं, थोड़ा बताने का कष्ट करें हमको। सुविधाएं तो सही है। सुबह नाश्ते में क्या दिया था आपको? मिल जाता कभी ब्रेड वगैरह मिल जाता है, कभी और कुछ मिल जाता है। अब भोजन में क्या व्यवस्थाएं होती है सुबह शाम की आपकी? जो व्यवस्थाएं हैं उससे आप कितने परसेंट संतुष्ट हैं? सही, कहाँ तक मैं तो कहाँ तक सही। चलिए कम से कम एक सुखद यहाँ पे सुनने को आ रहा है। जैसे मैं लगातार भटहट ब्लॉक, चरगावा, झंगहा और सभी जगह रिपोर्टिंग करते हुए लगातार गांव चलो अभियान में बीपीएस खबर
जो ग्राम प्रधानों की स्थिति है उसको आकलन करने की कोशिश कर पा रहा है कि जो जनता जनार्दन इनको प्रधान बनाती है वोट दे करके, वह जो जनता जनार्दन इनको वोट दे करके ग्राम प्रधान के पद पे सुशोभित करती है, वही जनता आज दिल्ली इत्यादि से अपने गांवों को लौटी है और आ करके जो कोरोना रूपी संकट है उससे पीड़ित होने के बाद यहाँ आ करके गाँवों की इन विद्यालयों में विश्राम कर रही है, रह रही है। उनको अगर ग्राम प्रधान मूलभूत सुविधाएं दे रहे हैं तो बधाई के पात्र हैं। जैसा अभी बताया इन्होंने कि इनको सुबह नाश्ते में ब्रेड पकौड़ा, दाल चावल, रोटी सब्जी बन रहा है। और मैं कैमरा पर्सन से कहना चाहता हूं इन लोगों को थोड़ा दिखाएं। इसके बाद जो रसोईया भोजन बना रहे हैं मैं उनके तरफ मुखातिब करना चाहता हूं, क्योंकि कई कई जगह मैंने देखा कि रसोईया कोरोना का नाम सुनते ही जैसे गधे की सींग गायब हो जा रही है, उसी प्रकार से रसोईया और जो ये स्वास्थ्य विभाग की जो वीडियो इत्यादि हैं जो लोग हैं भाग जा रहे हैं। लेकिन मैं इनके हौसले को सलाम करता हूं कि ये जो चारों महिलाएं हैं एक धीर वीर योद्धा की तरह से, आप लोग कृपया उचित दूरी बनाएं, 4 फीट 5 फीट दूर रहें। और ये महिलाएं नियमित रूप से रसोईया हैं प्राइमरी विद्यालयों की, लेकिन विद्यालय लॉकआउट के नाते बंद हो चुके हैं, लेकिन अपने छुट्टी होने के बाद भी देखिए ये चारों महिलाएँ यहाँ आ करके नियमित जो लोग क्वारंटाइन व्यक्ति हैं उनके लिए नाश्ता भोजन दोनों टाइम की व्यवस्था में प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिला करके काम कर रही हैं। मैं इन चारों महिलाओं को अपने ABPS खबर के माध्यम से सैल्यूट करना चाहता हूं कि यह एक जवान के रूप में अपनी लड़ाई लड़ रही हैं और अपने गांव के व्यक्तियों की सेवाओं में लगे हुए हैं कि किसी प्रकार से उनको भोजन पाने की कमी ना हो सकी। शेष में कैमरा पर्सन से कहना चाहता हूँ थोड़ा अंदर आइए, जो इनके किचन में क्या व्यवस्थाएं मैं देखने की कोशिश करूंगा। आप अंदर चलिए, एक आदमी दो आदमी बाहर रहिए। और देखिए यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ कि सफाई हटाया, दिखाना चाहता हूँ अपने कैमरे के माध्यम से इस महुलिया गांव का ये जो भोजन कक्ष है जो किचन कहते हैं हम, इसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ सफाई है, पूर्ण रूप से पोछा लगा हुआ है, किचन पूर्ण से साफ है, बर्तन सभी साफ ढंग से रखे गए हैं। अलमारियों की तरफ मैं दिखाना चाहता हूं कि मसाले इत्यादि उचित व्यवस्था सामने दिखाई दे रही है। लोगों को खाने के लिए टमाटर प्याज और जो भी सब्जियां हैं रखी हुई हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो यहां पे कार्य करने वाली महिलाएं हैं, मैं दिखाना चाहता हूं कि यहां 3 बोरे रखे हुए हैं और तीनों में एक जो उचित सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही जा रही लगातार उसका अनुपालन यहाँ के ग्राम प्रधान द्वारा कराया जा रहा है। तो आज मैं पूर्ण रूप से ABPS खबर के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो बेलघाट के अंतर्गत महुलिया गांव है यह अपने वादों को निभाने में और सीएम योगी के आदित्यनाथ जी के जो सपने हैं उसको पूरा करने में 100/100 पूर्ण रूप से 100 में 100 ABPS खबरों को प्रदान करता है। ABPS खबर के लिए बेलघाट के महुलिया गांव से मैं डॉक्टर मनोज कुमार मिश्रा।